आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता नारनौंद की सतरौल गौशाला में पहुंचे, जहां पर मकर संक्रांति के दौर हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए आप पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार जो गोभक्तों की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। हरियाणा सरकार गायों के लिए एक रुपया प्रति गौशाला के लिए नहीं देती, इसके मुकाबले दिल्ली सरकार प्रतिदिन 40 रुपए के हिसाब से प्रति गाय देती है, ताकि उनका अच्छा पोषण हो सके, उनकी सेवा हो सके। अगर हरियाणा सरकार भी दिल्ली सरकार की तरह गौशाला के लिए व्यवस्था कर दे तो गाय को सड़कों पर नहीं घूमना पड़ेगा। आज जो सड़कों पर आवारा घूमकर गाय को गंदगी खानी पड़ रही है। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि मैं हरियाणा सरकार से अपील करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार से सीख ले किस प्रकार गायों की सेवा होती है। दिल्ली सरकार प्रतिदिन 40 रुपए के हिसाब से प्रति गाय की सेवा करती है। सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा सरकार गायों को आबाद करने की बजाय उनको बर्बाद करने पर तुली हुई है और गाय के नाम पर राजनीति करती है। बीजेपी भगवान राम को बेचकर खाती है। इसके विपरीत दिल्ली सरकार धर्म के नाम पर इतना कुछ करती है, लेकिन हमने कभी प्रचार नहीं किया, न ही धर्म के नाम पर राजनीति की। हर धार्मिक समारोह में दिल्ली सरकार पैसा खर्च करती है। जींद उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि 4 महीने के लिए इतना पैसा बर्बाद करना ठीक नहीं है, इसलिए हमने उपचुनाव लड़ने का फैसला नहीं किया। नमस्कार, आज मैं नारनौंद गौशाला के अंदर आया। संचालक धर्मपाल जी ने मुझे अवगत कराया और बताया कि नारनौंद के अंदर बहुत अच्छा संचालन गौशाला का हो रहा है और पूरी साफ सफाई और चारे का और पानी का पूरा ख्याल गऊओं का रखा जा रहा है। परंतु एक बात को लेकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि हरियाणा सरकार जो गौ भक्तों की बात करती है, हिंदू धर्म की बात करती है और सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, वो गऊओं के लिए एक रुपया नहीं देती गौशालाओं को। दिल्ली सरकार प्रतिदिन 40 रुपए के हिसाब से गौशालाओं को गऊ के चारे के लिए देती है, ताकि उनका अच्छा पोषण हो सके, उनकी अच्छी सेवा हो सके। मुझे जो हरियाणा की गौशाला वालों ने अवगत कराया है, अगर हरियाणा सरकार भी दिल्ली की तरह गौशाला के लिए चारे का व्यवस्था कर दे तो गऊओं को सड़क पे आवारा नहीं घूमना पड़ेगा। गऊओं की सेवा करने के लिए गौशाला के अंदर लाई जा सकती है। आज जो सड़कों पे घूम घूम कर गऊएं कहीं गंदा खाती हैं, कहीं एक्सीडेंट का शिकार होती हैं, और एक एक भावना जो गाय माता के प्रति जिसके अंदर हम मांग के चलते हैं कि सारे देवी देवता बसते हैं, उनके प्रति जो हिंदू धर्म की भावना है उसकी ओर रक्षा की जा सकती है। हरियाणा सरकार से, खट्टर साहब से मैं आपके माध्यम से भी अपील करना चाहूँगा कि कम दिल्ली सरकार से सीख ले कि किस प्रकार हम गऊओं की सेवा के लिए प्रतिदिन 40 रुपए के हिसाब से देते हैं। आप भी हरियाणा के अंदर इनको दो। आपके सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से आप 39 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से गाय माता के लिए देते हैं, यानी 150 रुपये प्रतिवर्ष के लिए। परंतु अफसोस है, जितनी भी गौशालाओं से मैंने बात करी, वो रुपया भी गौशालाओं को नहीं दिया गया। तो मेरा निवेदन है, आज संक्रांति का दिन है, वैसे भी आज के दिन सब मिलकर दान करते हैं। हरियाणा सरकार ये मान ले के गऊओं के लिए दान किया जा रहा है और गऊ माताओं के लिए सेवा के लिए दान किया जा रहा है, अपने कोष को थोड़ा सा खोले, इस प्रकार से टाइट ना रखे। जिस प्रकार आपने स्कूलों की और हॉस्पिटलों की दुर्व्यवस्था कर रखी है, ये तो एनजीओ का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एनजीओ के माध्यम से हरियाणा के अंदर गौशालाओं को चलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से तो उसकी बर्बादी में भी कोई कमी नहीं। आदमी पार्टी हमेशा कहते हैं कि हम गरीब पार्टी है, सरकार हमारी अमीर है। हम स्कूलों के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़क के लिए 24 घंटे काम करते हैं। अब उपचुनाव 4 महीने के लिए चुनाव लड़ना और उसके ऊपर इतना जो धन का व्यय सरकार का हो रहा है और कैंडिडेटों का होगा, हमें समझते हैं उचित नहीं। देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गोवा और चंडीगढ़ की तो सभी सीटों पर लड़ेंगे। बाकी हमारी पीएसी तय करेगी कि जहाँ पे हमें अपनी मजबूत व्यवस्था दिखेगी देश में वहाँ लड़ेंगे। 90 के 90 पे उस पर और 10 के 10 लोकसभा पे सब जगह लड़ेंगे। मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं डाटा गौशाला के अंदर, और डाटा गौशाला वालों ने बड़े प्यार के साथ मुख्यमंत्री जी को बुलाया है, और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी जब इन गौशाला में आएंगे, जिस प्रकार से हम दिल्ली के अंदर गौशालाओं के लिए काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे गऊ माता के लिए सेवा के लिए 40 रुपये प्रतिदिन दिए जाते हैं, हरियाणा सरकार को भी ये मैसेज मिलेगा। बहुत सालों से ये एनजीओ कह रही हैं, परंतु जब मुख्यमंत्री जी आएंगे
और वो इस बात को उठाएंगे तो आपके अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से जो असली चेहरा है भाजपा का हिंदुत्व के नाम पे, जो वोट मांगती है परंतु उसके लिए कार्य नहीं करती, वो सामने आएगा और हो सकता है उनको भी गौशालाओं के लिए पैसा देने के लिए मजबूर होना पड़े। शो 100% गाय के नाम पे वोट मांगती है, भगवान राम को बेच के खाती है। मैं कहता हूँ ये बहुत बुरी बात है। अगर धर्म की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, जितना कावड़ के सीवर लगते हैं उनके सारे पैसे दिल्ली सरकार देती है, छठ के लगते हैं दिल्ली सरकार देती है, जितने धार्मिक समारोह होते हैं परंतु कभी धार्मिक समारोह के पैसे देने का गीत नहीं गाती, कभी भी उसके वोट के लिए नहीं बात करती। गऊ माता के लिए 40 रुपये प्रतिदिन देती है, हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं गऊ माता के नाम पर वोट मांगे। वोट मांगते हैं विकास के नाम पर, वोट मांगते हैं बढ़िया स्कूल बनाने के नाम पर, बढ़िया हॉस्पिटल बनाने के नाम पर, अच्छी सड़कें बनाने के नाम पर, सस्ती बिजली देने के नाम पर, अच्छे पुल बनाने के नाम पर, हम उस नाम पर वोट मांगते हैं। हम कभी भी धर्म की और जाति की राजनीति नहीं करते। देखिए पूरे देश के अंदर, चाहे वो राज्य की रक्षा करते हुए पुलिस का जवान शहीद होता है, देश की रक्षा करते हुए सैनिक या अर्धसैनिक बल का जवान शहीद होता है, फायर कर्मी, जो भी बेल्ट धारक सेवा के अंदर है, अगर वो शहीद होता है तो उसको सम्मान राशि दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए देती है, पूरे हिंदुस्तान में और कोई सरकार नहीं देती। हम ये भी निवेदन करना चाहते हैं, ये जवानों की बात तो करते हैं, ये किसानों की बात तो करते हैं, असल में उनका सम्मान करना सीखें।